गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आप सबने राइटर के पेज पर टाइप करने के साथ साथ उस पेज के कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में सीखा है। आज की कक्षा में आप सभी पिछली कक्षा का रिवीजन करेंगे। आइए सबसे पहले हम पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। रूलर क्या होता है? रूलर एक स्केल के जैसा होता है जो कि हमारे राइटर के पेज पर दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक ओरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार पेज का स्टेटस बताता है कि आपके पास टोटल कितने पेज हैं और हम कौन से पेज पर टाइप कर रहे हैं और जो टाइप कर रहे हैं वह कौन सी भाषा है। टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? टेक्स्ट को तीन प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला टचपैड के द्वारा, दूसरा कमांड के द्वारा, तीसरा एरो की के द्वारा। टेक्स्ट को सेलेक्ट क्यों करते हैं? टेक्स्ट को हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं जिससे कि टेक्स्ट या पैराग्राफ पर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सके। फॉन्ट नेम का उपयोग क्यों करते हैं? फॉन्ट नेम से आप अपने टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ की राइटिंग को चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज का उपयोग क्यों करते हैं? फॉन्ट साइज से आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बोल्ड का उपयोग क्यों करते हैं? बोल्ड से आप अपने टेक्स्ट को ब्लैक अथवा डार्क यानी गहरा कर सकते हैं। इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग क्यों करते हैं? इटैलिक से आप अपने टेक्स्ट को तिरछा करते हैं और अंडरलाइन से हम अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन को ला सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें। आइए अब वीडियो को देखकर फाइल को ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर जाएं और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें। अब यहाँ पर ओपन ऑफिस लिखे हुए ऑप्शन को टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और फिर यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप पैराग्राफ टाइप करेंगे और उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग करेंगे जो कि आप सबने पिछली कक्षा में सीखा है। सामने दिए गए पैराग्राफ को देखकर टाइप करना शुरू करें। टाइप करने में अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप सभी को पैराग्राफ टाइप करने के बाद आपको एक-एक करके फॉर्मेटिंग करनी है। अब आप सभी इस पैराग्राफ की राइटिंग को बदलें। अगर राइटिंग चेंज करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट के राइटिंग को चेंज कैसे करते हैं। इसके लिए आप फॉन्ट नेम का प्रयोग करेंगे। आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल बटन को दबा के रखें और राइट हैंड के एक फिंगर से ए के बटन को दबाएं। सेलेक्ट करने के बाद आप सभी फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने कर्सर या पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएं और इस एरो पे जो छोटा सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे उस पर क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी राइटिंग उपलब्ध रहती हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करना होता है। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उस पर अपने पॉइंटर को लेके जाएं और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें तो वह राइटिंग आपके लाइन या पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाता है। अगर आपको ऊपर देख के तरफ देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर नीचे की तरफ लेके जाना है तो आप इसको ऐसे भी ऊपर की तरफ कर सकते हैं और इसे नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर उसे सेलेक्ट करें। इस तरह से आप अपने लाइन या पैराग्राफ की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी को टेक्स्ट के साइज को बड़ा और छोटा करके दिखाएं। अगर आपको फॉन्ट के साइज को चेंज करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की सहायता से चेंज करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट साइज कैसे करते हैं या आप
लाइन या पैराग्राफ के टेक्स्ट की राइटिंग को बढ़ाते या कम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल बटन को दबा के रखें और राइट हैंड के एक फिंगर से एक बटन को दबाएं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। इस बॉक्स के अंदर आपको नंबर्स दिए गए हैं। जो नंबर बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, अगर उधर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपके टेक्स्ट के राइटिंग बड़ा हो जाएगा, और कम के तरफ लेकर आएंगे, घटते हुए क्रम में लेकर आएंगे, तो आपके टेक्स्ट की राइटिंग का साइज छोटा हो जाएगा। और इस स्क्रॉल डाउन के द्वारा आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो भी राइटिंग लेना हो, फॉन्ट साइज लेना हो, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके टेक्स्ट की राइटिंग बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आप सभी अलग अलग लाइन में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग करें। अगर इन तीनों फॉर्मेटिंग करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता ले सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड कैसे करते हैं। अभी आपने लेफ्ट एरो की के द्वारा सेलेक्ट करना सीखा है, अब आप बाकी के तीन एरो की से सेलेक्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिए कि आपका कर्सर कहाँ पे है। जैसे कि इस वीडियो में कर्सर लाइन या पैराग्राफ या टेक्स्ट के सबसे पहले लाइन में है। उसके बाद आप सभी अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से शिफ्ट बटन को दबा के रखें और फिर राइट हैंड के एक फिंगर से राइट एरो की का उपयोग करें, तो देखें आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप सभी देख रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वह लेफ्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। इस तरह से आप राइट एरो की के उपयोग से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर बी लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर जाएं और उसके बाद टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपका लाइन या पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है गहरा हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस बी होता है। अगर आप बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो दोबारा से फॉर्मेटिंग बार के अंदर अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए ऑप्शन पर ले जाएं और क्लिक कर दें, जिससे कि बोल्ड हट जाएगा, या आप फिर शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इटैलिक कैसे करते हैं। इटैलिक करने के लिए सबसे पहले आप सभी अपने टेक्स्ट या लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। इसके लिए आप इस कर्सर को आप अपने इस पैराग्राफ के अंत में लाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यहां से आप इसे सेलेक्ट करना शुरू करें। इसके लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ अप एरो की का उपयोग करना है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है। तो आप सभी अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से शिफ्ट बटन को दबा के रखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर आप अप एरो की का उपयोग करें, जिससे कि यह लाइन सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आधा दिख रहा है। अगर ऐसे दिख रहा है तो आपको पीछे की तरफ लाना है, तो आप लेफ्ट एरो की का भी उपयोग कर सकते हैं ऐसे, जिससे कि आपका यह पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आई लिखे हुए ऑप्शन पर अपने कर्सर या पॉइंटर को लेकर आएं और लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, जिससे कि आपका टेक्स्ट या राइटिंग इटैलिक हो जाएगा, यानी कि तिरछा हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इटैलिक हटाना है तो दोबारा से आई लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और क्लिक कर दें, जिससे कि इटैलिक हट जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करें।
तो इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट को हटाएं, यानी कि टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। आप सभी अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, उसके बाद अब इसे नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है, तो आप डाउन एरो की का उपयोग करेंगे। तो आप सभी अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से शिफ्ट बटन को दबा के रखें और फिर दूसरे हैंड से डाउन एरो की को प्रेस करें, तो आपका पैराग्राफ नीचे की तरफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आधा दिख रहा है। अगर ऐसे दिख रहा है तो आपको एक एक करके राइट एरो की को जब तक दबाएं जब तक आपकी लाइन पैराग्राफ सेलेक्ट ना हो जाए। इस प्रकार से आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर यू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने कर्सर या पॉइंटर को लेकर आए और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा। इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, सभी अपने राइटर की फाइल को क्लोज करें। अगर फाइल को क्लोज करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। अगर कंप्यूटर को शटडाउन करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी ने पैराग्राफ टाइप किया और फॉर्मेटिंग बार के कुछ ऑप्शन जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की सहायता से फॉर्मेटिंग भी किया।